नमस्कार दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस ट्यूटोरियल में। आज मैं आपको बताऊंगा एडोबी पेज मेकर 7.0 के अंदर कैसे कैश मेमो बनाते हैं। मेरे एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट किया था कि कैश मेमो कैसे बनाया जाता है ज़रा बताने के लिए, तो आज मैं कैश मेमो ट्यूटोरियल लेकर उपस्थित हूँ। जैसा देख सकते हैं, छोटा सा नॉर्मल सा कैश मेमो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इस टाइप के कैश मेमो हम कैसे बनाते हैं ये मैं आप लोगों को बताऊँगा अडोबी पेज मेकर 7.0 के अंदर। तो सबसे पहले कैश मेमो बनाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कैश मेमो देखिए अलग अलग साइज़ का कैश मेमो होता है, कोई लंबा होता है, कोई थोड़ा चौड़ा होता है, तो अलग अलग साइज़ और अलग अलग शेप का कैश मेमो होता है। तो मैं एक नॉर्मल सा 4.5x5 का आपको दिखाता हूँ, ये 4.5x5 का कैश मेमो है। तो इस तरह का कैश मेमो कैसे बनाएंगे, कैसे डिज़ाइन करेंगे ये मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले एडोबी पेज मेकर 7.0 को ओपन करें, सबसे पहले फाइल में जाएं, उसके बाद न्यू पे क्लिक करें। न्यू पे जाने के बाद डॉक्यूमेंट सेटअप का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे एक पेज साइज़ आपको लेना है, लेटर ले लें चाहे A4 साइज़ ले लें, मैंने A4 साइज़ सिलेक्ट किया। उसके बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपका पेज कुछ इस तरह आपको नज़र आएगा। और एडोबी पेज मेकर के अंदर तीन चीज़ों की आवश्यकता होगी, एक तो आपका टूल बॉक्स, दूसरा आपका कलर पैलेट और नीचे आप देख सकते हैं कंट्रोल पैलेट। अगर ये तीनों नहीं है तो कैसे लाते ये भी देख लें। तो इसके लाने के लिए आप मेनू बार में जाएंगे, यहाँ पे देखें विंडो मेनू में जाने के बाद फिलहाल तो यहाँ पर टूल अभी दिखाई दे रहा है, टूल बॉक्स। यहाँ पर अगर मैं हाइड टूल करता हूँ तो हाइड हो गया, यहाँ से विंडो में जाके यहाँ से शो टूल्स आ गया। कलर पैलेट भी चाहिए तो कलर पैलेट लाने के लिए सेम उसी टेक्निक है, यहाँ पे हाइड कलर कर दूंगा तो कलर चला जाएगा। और यहाँ पे देखिए कंट्रोल पैलेट नीचे है, अगर कंट्रोल पैलेट नहीं है तो हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए शो कंट्रोल पैलेट, तो यहाँ पे देखिए ये कंट्रोल पैलेट आ गया। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक साइज लेना है, किस साइज़ का आपको कैश मेमो बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, आप टूल बॉक्स में जाएँ और यहाँ पर देखिए अलग अलग टूल्स हैं। यहाँ पर जो रेक्टेंगल टूल बॉक्स टूल है इस पे आपको क्लिक करना होगा और नॉर्मल सा एक पेज के बीचों बीच आप इस तरह एक बॉक्स ड्रॉ कर दें। ड्रॉ करने के साथ ही आप देखेंगे, जैसे आप ड्रॉ करेंगे स्क्वायर बॉक्स, आप देखेंगे कंट्रोल पैलेट का लुक कुछ इस तरह आपको नज़र आएगा। यहाँ देखिए W लिखा हुआ है, ये मतलब चौड़ाई के लिए, ये वाला चौड़ाई है, और हाइट के लिए H लिखा हुआ है। तो चौड़ाई हमें कितना लेना है, नॉर्मल सा मैं आपको दिखाता हूँ, तो चौड़ाई आपको लेना है 4.5 इंच का। तो यहाँ पे आप इस बॉक्स में ये W लिखा हुआ है, इस बॉक्स को आप सिलेक्ट करें। क्लिक करने के बाद आपको लेना है 4.5 ले लिया मैंने। उसके बाद 4.5 लिखने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है, ये मैंने इंटर प्रेस कर दिया। उसके बाद हाइट, ये देखिए 4.5 का साइज हो गया, चौड़ाई हो गया। हाइट आपको लेना है, हाइट इसको लेना है 5 इंच लेना है। तो यहाँ पे अगेन नीचे एज वाला कॉलम को सिलेक्ट करें और टाइप करें 5 टाइप करें, उसके बाद इंटर प्रेस कर दें। अब देखिए ये हाइट हो गया 5 इंच, मतलब ये वाला हाइट, ये वाला इसका चौड़ाई है 4.5, देख सकते हैं चौड़ाई यहाँ पे, लंबाई थोड़ा इस तरह है। अब आपको क्या करना है, ये जो बॉक्स है मतलब इसी बॉक्स के अंदर आपको अपना वो कैश मेमो आपको डिज़ाइन करना है। इस बॉक्स को लेफ्ट एंड राइट इसको पेज के बीचों बीच लाने के लिए कीबोर्ड में देखेंगे आपका एरो की है, एरो की से आप इसे हल्का सा ऐसे एरो की यूज़ करेंगे तो लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे तो मूव करेगा, अपर एरो की करेंगे तो अपर एरो मूव करेगा, डाउन एरो की प्रेस करेंगे कीबोर्ड पर तो डाउन एरो की मूव करेगा। तो एरो की इसलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अगर एरो की से अगर इस्तेमाल कीजिएगा तो क्या होगा, ये आपका जो साइज लिया हुआ ये मूव नहीं करेगा। अब ये जो साइज मैंने ले कर रखा है 4.5x5 का लिया हुआ है, अब इस साइज को मुझे फिक्स करके रखना होगा, ताकि इसलिए ताकि मैं काम करते वक्त ये साइज मेरा कम और ज़्यादा ना हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगेन आप मेनू बार में जाएँ, यहाँ एलिमेंट में जाएँगे, यहाँ पर एलिमेंट के नीचे आएँगे, यहाँ देखें लॉक पोजिशन, लॉक पोजीशन पे क्लिक करेंगे। लॉक पोजीशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके पिक टूल पे क्लिक करें टूल बॉक्स में, उसके बाद इस बॉक्स को अगर मैं ड्रैग करता हूँ, मूव करता हूँ, तो यहाँ देखें ये बॉक्स अब यहाँ पे लॉक आपको दिखाई दे रहा होगा, मतलब ये बॉक्स फिक्स हो गया, मतलब अब मैं इसे मूव नहीं कर सकता, मतलब ये फिक्स हो गया पेज के बीचों बीच। अब इसी बॉक्स के अंदर मुझे वो कैश मेमो बनाना है। अब क्या करना होगा आपको, अगेन मैं एक छोटा सा बॉक्स, अगेन मैं टूल बॉक्स में जाऊँगा, एक फिर रेक्टेंगल जो टूल है इस पर मैं क्लिक करूँगा, एक नॉर्मल सा यहाँ पे
मैं एक बॉक्स ड्रॉ करूँगा। इस तरह मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर दिया, देख सकते हैं नॉर्मल से मैंने यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ किया। ये एक बॉक्स ड्रॉ करने के बाद इसका आउटलाइन जो रहता है, बाहरी जो किनारा है, उसे मुझे राउंडेड करना होगा ताकि ये देखने में अच्छा लगे, राउंड अच्छा लगता है। तो राउंडेड कॉर्नर करने के लिए क्या करेंगे, अगेन आप एलिमेंट में जाएं, जाने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे देखें राउंडेड कॉर्नर्स, राउंडेड कॉर्नर्स पे क्लिक करें तो राउंडेड कॉर्नर का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए अलग अलग कॉर्नर दिया हुआ, जो आपको सूटेबल लगे, जो अच्छा लगे। मैंने ये तीसरा वाला लिया, क्लिक किया, उसके बाद ओके करूँगा तो एक कॉर्नर राउंड हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे नॉर्मल सा मैंने टूल बॉक्स में जाकर जूम टूल पर क्लिक किया और इस एरिया को यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। ये देखिए आप देख सकते हैं कॉर्नर राउंडेड हो गया, ये देखिए कॉर्नर में राउंडेड हो गया। ये ज़्यादा थोड़ा सा इसे 75% कर देता हूँ और ये हैंड टूल है, इसे मैंने यहाँ पे मूव कर दिया। अब ये देखिए कॉर्नर में राउंडेड हो गया कॉर्नर। राउंडेड होने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर इस जगह पे इसे मैं थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर मूव कर दिया, ये हो गया। अब इस बॉक्स में मुझे क्या करना है, एक और सेम टू सेम इसी तरह एक बॉक्स और लेना होगा। तो इस बॉक्स का सेम टू सेम साइज़ का एक और बॉक्स लेने के लिए इसे पिक टूल से आप क्लिक करें, सेलेक्ट हो जाएगा, उसके एडिट में जाएं, उसके बाद कॉपी पे क्लिक करें, करने के बाद नीचे आएंगे पेस्ट पे क्लिक कर दें तो एक सेम टू सेम बॉक्स आ जाएगा, उसे आप ड्रैग करते हुए नीचे रख लें। ये बॉक्स क्यों ले रहा हूँ मैं आपको बताऊँगा, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्यों लेता हूँ ये बॉक्स। और इसे मैं इस तरह ड्रैग करके एक बड़ा सा नीचे एक बॉक्स ले लिया, छोटा सा एक और बड़ा बॉक्स यहाँ पे नीचे मैंने ले लिया सेम टू सेम का। अब ये बॉक्स में आपको क्या करना है, आप चाहें तो इस बॉक्स को लॉक भी कर सकते हैं। एलिमेंट में जाके जाएं यहाँ पे एलिमेंट में जाने के बाद लॉक पोजीशन कर दें ताकि ये दूसरा वाला भी बॉक्स मेरा मूव ना करे। ये बॉक्स फिक्स हो गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको मैं 100% कर देता हूँ, उसके बाद हैंड टूल से इसे मैं मूव करता हूँ। अब इसमें क्या करना है, सबसे ऊपर आपको लिखना है कैश मेमो। तो आप लिखने के लिए क्या करते हैं, टूल बॉक्स में जाएंगे, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट टूल है, टेक्स्ट टूल पे क्लिक करें। और आप चाहें तो इस बॉक्स में भी लिख सकते हैं और बाहर भी लिख सकते हैं, तो बेस्ट है बाहर लिखें और उसके बाद लेकर आएँ यहाँ पे। तो नॉर्मल मैं एक एरिया सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ कैश मेमो। लिख दिया मैंने कैश मेमो, अब देख सकते लिखा हुआ है। उसके बाद लिखने के बाद कैश मेमो को मैं ये जो हैंडल आया हुआ है इसे मैं जरा छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे लाके इसे रख दिया। ये देखिए पेज के बीचों बीच मुझे ला के रखना होगा, कैश मेमो आ गया। अब इसे अगर अंडरलाइन कर दे तो बेस्ट है। तो अगेन कैश मेमो को आप टेक्स्ट टूल पे क्लिक करें, कैश मेमो को सिलेक्ट करें और नीचे आएंगे तो कंट्रोल पैलेट में देखेंगे यहाँ पे यू लिखा हुआ है, ये अंडरलाइन बी आई यू लिखा है कंट्रोल पैलेट के अंदर, ये जो बॉक्स है यू लिखा हुआ उस पर क्लिक कर दें तो देखें यहाँ पर कैश मेमो देखिए अंडरलाइन हो गया। अब क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक नंबर लिखना होगा। तो अगेन आप टेक्स्ट टूल पे क्लिक करें, एरिया सेलेक्ट करें कहीं भी और लिख दीजिए नंबर। नंबर लिखना है, नंबर लिख दिया, डॉट दे दिया। लिखने के बाद अगेन पिक टूल पे क्लिक करें और एक एरिया सेलेक्ट करें इस तरह नंबर, और यहाँ पे नंबर लिख दें। वहाँ पे सीरियल नंबर वगैरह रहता है कैश मेमो में, ये हो गया ऊपर का पोर्शन। अब नाम देना है, जिस शॉप का, जिस दुकान का नाम अगर देना है तो उसके लिए यहाँ पे वो नेम होना चाहिए। तो अगेन आपको क्या करना है, टेक्स्ट टूल पे क्लिक करें और एक एरिया यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज बाहर पे भी, बाहर पेज के किसी भी जगह पे, किसी भी वाइट हिस्से में कहीं भी आप एरिया इस तरह टेक्स्ट टूल से सिलेक्ट करें और शॉप का नाम लिखना होगा। तो मैं शॉप का नाम लिख देता हूँ स्टूडेंट बुक स्टॉल लिख दिया। लिखने के बाद ये थोड़ा बोल्ड होना चाहिए, देखिए स्टूडेंट बुक स्टॉल लिख दिया यहाँ। ये मैं सिलेक्ट किया टेक्स्ट टूल को, उसके बाद नीचे आएंगे कंट्रोल पैलेट में, यहाँ पे देखिए बोल्ड है, बोल्ड कर दिया इसे। यहाँ साइज़ 12 दिया हुआ है, साइज़ को भी थोड़ा सा 18 कर देता हूँ, 18 हो गया, अब बड़ा हो गया, ये देख सकते हैं। अब इसे ये जो जहाँ तक एरिया मैंने टेक्स्ट टूल से सिलेक्ट किया था वो हैंडल आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे मैं छोटा कर देता हूँ। ये ला के मैंने यहाँ पर इस पेज के इस जगह पे कैश मेमो के नीचे यहाँ पे सजा दिया। देखिए ये आपका दुकान का नाम हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, एक और लिखना है वहाँ पे, यहाँ से एक नॉर्मल सा बॉक्स लेना है। तो मैं एक बॉक्स लेता हूँ, दिखाता हूँ आपको वो क्यों, क्योंकि और भी कुछ यहाँ लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने एक बॉक्स यहाँ पर नॉर्मल से इस तरह रेक्टेंगल बॉक्स सेलेक्ट किया सेम टू सेम यहाँ पर, और इस बॉक्स को मुझे क्या करना है, इसे ब्लैक कर देना है। तो बॉक्स को कलर करने के लिए क्या करते हैं,
कलर पैलेट में जाएं, यहाँ पे अगर कलर पैलेट नहीं है तो वो कैसे लाते वो भी देख लें। विंडो में जाएं, यहाँ पे शो कलर्स में क्लिक करें तो कलर पैलेट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो बॉक्स को फिलअप करने के लिए कलर पैलेट जैसे आ जाएगा, यहाँ पे देखिए तीन आपको अलग अलग टैब दिखाई देगा, लाइन के लिए, बॉक्स के लिए। तो ये सिलेक्ट करें, उसके बाद ब्लैक पे क्लिक करें। जैसे ही ब्लैक पे क्लिक करेंगे देखेंगे बॉक्स में पूरा ब्लैक कलर फिल हो जाएगा। अब क्या करना है, पिक टूल पे क्लिक करें। ये देखें, ये मेरा बॉक्स तैयार हो गया। इसे चाहें तो आप थोड़ा सा ऊपर ले जा सकते हैं, मूव कर दिया थोड़ा सा हल्का सा, ये देखें आ गया। अब इस ये जो ब्लैक बॉक्स है इसके अंदर मुझे कुछ लिखना है। अब क्या लिखना है, जैसे लिखना है बुक सेलर, स्टेशनर एंड जनरल ऑर्डर सप्लायर्स लिखना है। तो अगेन आप क्या करें, अगेन टूल बॉक्स में जाएं और यहाँ टेक्स्ट टूल पे क्लिक करें और एक एरिया सेलेक्ट करना होगा, मतलब यहाँ तक आपको लिखना है, ये एरिया आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको लिखना है, लिखना क्या है मैं लिख देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ बुक सेलर, सेलर कॉमा दिया, उसके बाद आपको लिखना स्टेशनर, ये स्टेशनर लिख दिया। उसके बाद लिख देते हैं एंड जनरल ऑर्डर सप्लायर, लिखा हुआ रहता है एंड जनरल ऑर्डर ORD या ऑर्डर सप्लायर SUPPLIERS सप्लायर्स लिख दिया मैंने, देख सकते हैं बुक सेलर स्टेशनर्स एंड जनरल ऑर्डर सप्लायर लिख दिया। ये थोड़ा सा गैप हो गया ज़्यादा, यहाँ पे भी ज़्यादा गैप हो गया, ये मैं ठीक कर दे रहा हूँ। थोड़ा सा देखिए ट्यूटोरियल थोड़ा लंबा होगा, इसलिए थोड़ा सा अब ध्यान रखें ताकि पूरी तरह बढ़िया तरह से सीख पाएँ। और ये जो टेक्स्ट है इसे मैं सिलेक्ट कर दिया इस तरह, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा साइज ज़्यादा ज़्यादा लंबा हो गया। तो जो भी साइज़ अगर छोटा बड़ा भी करना है तो टेक्स्ट टूल लिखने के लिए भी टेक्स्ट टूल इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इसका साइज़ छोटा करने के लिए भी आपको टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे कंट्रोल पैलेट में जाकर अभी देखिए इसका साइज़ दिया 12, उसके बाद इसे मैं कर देता हूँ 10 कर देता हूँ, या 11 कर दिया, 11 कर दिया। उसके बाद ये देखता हूँ ये अभी लंबा हो गया, लगता है ज़्यादा लंबा हो गया, इस बॉक्स से ज़्यादा लंबा हो गया। तो क्या करना होगा, इसे थोड़ा सा और छोटा करना होगा टेक्स्ट को। तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद अभी 11 है तो यहाँ पे अगेन कंट्रोल पैलेट में जाएं, मैं 10 कर दिया। करने के बाद अब ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये मैं थोड़ा हैंडल इसे छोटा कर देता हूँ। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको मैं ये बॉक्स के अंदर रखना होगा। तो ये ब्लैक बॉक्स है, टेक्स्ट भी मेरा ब्लैक है तो इसलिए दिखेगा नहीं। तो इसे क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट को वाइट करना पड़ेगा। ये जो लिखा हुआ है इसे वाइट करने के लिए क्या करेंगे, अगेन आप टूल बॉक्स में जाएँ और ये जो पिक टूल है टेक्स्ट टूल पे क्लिक करें और टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। ये मैंने एक मिनट, सप्लायर में थोड़ा गैप होना चाहिए, थोड़ा गैप हो गया, गैप थोड़ा दे दिया स्पेस देखिए। हाँ अब मैं इसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट को आप कलर पैलेट बॉक्स में जाएं, वहाँ पे देखेंगे ब्लैक है, रजिस्ट्रेशन है, ब्लू है। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे नन है, उसके बाद पेपर, पेपर का कलर क्या होता है वाइट होता है, इसलिए वाइट है। यहाँ पेपर पे क्लिक कर दिया। जैसे ही पेपर पे क्लिक करूँगा जो टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया तो हुआ था वो देखिए ब्लैक हो गया, और बाहर क्लिक करूँगा देखिएगा वो वाइट हो गया, क्योंकि बैकग्राउंड भी मेरा वाइट है और टेक्स्ट भी वाइट है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, अभी दिखाई देगा। उसके लिए उस आपने जब पेपर कलर करने के बाद आपको क्या करना है, अगेन आप टूल बॉक्स में जाएँ, पिक टूल पे क्लिक करें और जिस जगह आपने वो टेक्स्ट लिखा था वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का लाइन आपको दिखाई देगा, मतलब टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है। अब इसे आप इसे ड्रैग करके ऊपर इस तरह ले जाएं। अब देखें यहाँ पे आ गया। अगर टेक्स्ट नहीं दिखाई दे रहा आपको तो ये और एक तरीका मैं आपको दिखाता हूँ, सिंपल है। यहाँ मेनू बार में जाएँ, एलिमेंट में जाएँगे, अरेंज में आएँ, उसके बाद ब्रिंग टू फ्रंट कर दें तो टेक्स्ट आपको दिखाई देने लगेगा। ये देखें बुक सेलर स्टेशनर जनरल ऑर्डर सप्लायर यहाँ लिखा हुआ आ गया, ये ऊपर का पोर्शन मिल लिख दिया। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे एड्रेस लिखना होता है, यहाँ पे एड्रेस होना चाहिए। तो आप चाहें तो यहाँ पे एक एरिया सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया न्यू मार्केट, उसके बाद कॉमा दिया, उसके बाद सोल आसनसोल कर दिया, ये दे दिया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एड्रेस भी दे दिया मैंने, न्यू मार्केट आसनसोल कर दिया यहाँ पे। ये देखिए इसे बीचों बीच मैंने ला के रख दिया, ये देखिए एड्रेस हो गया।
उसके बाद यहाँ पे नेम होना चाहिए, इस जगह पे मुझे नेम लिखना है जिस व्यक्ति का ये कैश मेमो बनता है, जिसके नाम से यहाँ पे नेम होना चाहिए। तो नेम के लिए अगेन आप टेक्स्ट टूल पे क्लिक करें, और आप चाहें तो इसी जगह पे आप सिलेक्ट करके एक एरिया सिलेक्ट करके यहाँ भी लिख सकते हैं। ये मैं लिखता हूँ नेम, नेम लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे डॉट डॉट फुल स्टॉप दबा दें, इस तरह का आ जाएगा ये, इस तरह डॉट 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 डॉट, ये मैंने आ गया, ये देखिए डॉट 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 डॉट, ये हो गया, ये ऊपर का पोर्शन अब ये तैयार हो गया नेम। आप चाहें तो इसे पिक टूल पे क्लिक करें और नेम को ऊपर नीचे क्लिक करने सजाने के लिए इस तरह आप रख सकते हैं। देखिए ऊपर का पोर्शन ये मेरा तैयार हो गया, ये हो गया। अब इस लेफ्ट हैंड यहाँ पे जो राइट कैश मेमो का ठीक राइट हैंड साइड में यहाँ पे क्या होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करेंगे। इस तरह नेम लिखने के बाद ये ऊपर का पोर्शन आपको तैयार हो गया। अब आते हैं नीचे का पोर्शन पे, नीचे का पोर्शन पे क्या रहता है, यहाँ पे देखिएगा, इसे मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, ये मैं गया। अब यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्वांटिटी रहता है, डिस्क्रिप्शन रहता है, फिर रुपीज़ और ये रहता है। तो अब क्या करेंगे, मुझे लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। अब लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे देखिए दिखाता हूँ मैं आपको। तो एक लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे टूल बॉक्स में जाएंगे, ये जो टूल है, यहाँ पे दो टूल है, ये देखिए एक लाइन टूल है, ये एक लाइन टूल है, ये वाला जो टूल है ठीक अब क्रॉप टूल के ठीक नीचे, ये स्ट्रेट लाइन के लिए, इस पर क्लिक करें और एक लाइन यहाँ से मैं ड्रॉ कर दिया, ये मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, देख सकते हैं। लाइन को ऊपर नीचे ले जाने के लिए आप कीबोर्ड में एरो की इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, एक लाइन और लेना होगा। तो लाइन लेने के लिए क्या करेंगे, एक और लाइन लेता हूँ मैं, अगेन आप टूल बॉक्स में जाएंगे, ये एक लाइन लिया यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे लिया मैंने लाइन, यहाँ तक लिया लाइन हो गया। फिर मैं एक दूसरा लाइन लूँगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, यहाँ से ठीक एक लाइन लिया मैंने यहाँ तक। फिर एक लाइन लेता हूँ मैं यहाँ पे रुपीज़ के बाद, यहाँ एक और लाइन चाहिए मुझे, ये लाइन। अब देखिए यहाँ पे तीन लाइन, एक दो तीन लाइन हो गया मेरा। मैं आपको दिखाता हूँ अगर लाइन छोटा बड़ा भी होगा तो कैसे एडजस्ट करते हैं, मैं सब आपको दिखाऊँगा, कोई गलती हो जाए तो कैसे सुधारेंगे। अब इस जगह पे ये देखिए एक बॉक्स हो गया, यहाँ दो और तीन। अब इस बॉक्स में आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वांटिटी लिखना है। तो टूल बॉक्स में जाएं और टेक्स्ट टूल से एरिया सिलेक्ट करें पेज के किसी जगह पे, उसके बाद लिख दें क्वांटिटी, QTY लिख दिया, उसके बाद डॉट फुल स्टॉप दे दिया। अगेन पिक टूल पर क्लिक करके ये जो मैं एरिया सिलेक्ट किया था इसे मैं छोटा कर देता हूँ और ठीक इस बॉक्स में ला के मैंने रख दिया, यहाँ देखिए इस बॉक्स में, इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं ज़ूम करके आपको दिखाता हूँ, ज़ूम करके हल्का सा रफली मैं ज़ूम करता हूँ, ये देखिए ये क्वांटिटी हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, ये मैं 75% ज़्यादा 100% कर देता हूँ 100%। ये देखिए ये क्वांटिटी मेरा लिखा हुआ यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपको बीच में लिखना है डिस्क्रिप्शन, अगेन आप टेक्स्ट टूल बॉक्स में जाएँ, टेक्स्ट टूल पर क्लिक करें और कहीं भी पेज के किसी भी जगह पे आप एक एरिया सेलेक्ट करें और लिख दें डिस्क्रिप्शन। मैं लिख देता हूँ DESCRIPTION डिस्क्रिप्शन लिख दिया। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद अगेन आप टूल बॉक्स में जाएं, पिक टूल पे क्लिक करें और इस तरह पिक टूल से सिलेक्ट कर लें, उसके बाद इसे बीचों बीच आप इस तरह ला के रख दें। ये क्वांटिटी हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। उसके बाद यहाँ राइट हैंड साइड के ये जो बॉक्स में डिस्क्रिप्शन ठीक बगल बॉक्स में आपको लिखना है रुपीज़, अगेन आप टेक्स्ट टूल पे क्लिक करें, आप चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिखिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ₹ लिख दिया मैंने, ये RS डॉट दिया, रुपीज़ लिख दिया। उसके बाद पिक टूल पे क्लिक करें, उसके बाद अगेन आप टेक्स्ट पे क्लिक करें तो इस तरह हैंडल आ जाएगा ऊपर नीचे, उसे ला के इस तरह आप रख दें, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप क्या करें, अगेन आप टेक्स्ट टूल पे क्लिक करें, अगेन किसी भी जगह पर उसके प्राइस के लिए अगेन मैं P लिख दिया, डॉट दिया पैसा के लिए, सॉरी। उसके बाद पी पे क्लिक किया मैं, उसके हैंडल इतना लंबा आ जाता है, वो जितना एरिया सेलेक्ट करते हैं उसका हैंडल आ जाता है। अब ये देखिए क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन रुपीज़ एंड पी लिखा। अब ये देखना होगा कि ये जो तीनों लाइन एकदम स्ट्रेट है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए बेस्ट ये है कि ऊपर का जो स्केल है, अगर स्केल आपको नहीं दिखाई दे रहा पेज मेकर के ठीक यहाँ पर स्केल रूलर नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर व्यू में जाएंगे, यहाँ पर देखें यहाँ पे हाइड रूलर्स है, जैसे ही क्लिक करूँगा देखिए रूलर्स मेरा यहाँ से चला गया, नहीं दिखाई दे रहा। तो इसे लाने के लिए व्यू में जाएंगे, शो रूलर्स, रूलर्स ऊपर में भी आ गया और लेफ्ट नीचे भी आ गया। तो रूलर्स
किसी भी जगह पे रूलर्स पे माउस पॉइंटर रखें और ड्रैग करते हुए गाइडलाइन ले लें। ब्लू रंग का आपको लाइन दिखाई देगा। गाइडलाइन का क्या फ़ायदा होता है मैं आपको बताता हूँ। गाइडलाइन लेने से क्या होता है, गाइडलाइन के साथ अगर आप प्रिंट भी करेंगे तो गाइडलाइन प्रिंट आउट नहीं होता। गाइडलाइन इसलिए होता है ताकि आपको जो भी लिख रहे हैं उसको मेजरमेंट सही है कि नहीं, उसको सीधे स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं टेक्स्ट। अब ये देखो मैंने गाइडलाइन यहाँ पे रखा हुआ है, ब्लू रंग का गाइडलाइन ले लिया। ये देखिए गाइडलाइन। अब मतलब ये देखते हैं कि सीधा लाइन में टेक्स्ट है कि नहीं मेरा, ये चारों टेक्स्ट, यहाँ टेक्स्ट है, यहाँ टेक्स्ट है, यहाँ टेक्स्ट है, यहाँ टेक्स्ट, अब तीनों चारों एक ही स्ट्रेट है कि नहीं। अब इसे मैं जूम करता हूँ, जूम करने के लिए राइट क्लिक करूँगा। यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए 100% कर दिया। और भी जूम करना है तो टूल बॉक्स में जाएं और यहाँ जूम टूल पे क्लिक करें और सिर्फ इसी एरिया को आप सिलेक्ट करें। इसी एरिया को सिलेक्ट करेंगे तो देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ देखिए ये गाइडलाइन आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आपको पिक टूल में क्लिक करना होगा, गाइडलाइन पे क्लिक करके आपको इसे एडजस्ट करना होगा ताकि आपका टेक्स्ट एकदम सही रहे। ये देखिए डिस्क्रिप्शन ठीक गाइडलाइन पे आ गया। फिर रुपीज़ को मैं क्लिक करूँगा, रुपीज़ भी सही गाइडलाइन पे आ गया। ये प्राइस ये पैसा का भी ये है, ये गाइडलाइन पे आ गया। लेकिन यहाँ पे देखिए क्वांटिटी के ये जो लाइन है ये थोड़ा सा यहाँ पे ये देख सकते हैं आ गया मेरा क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन रुपीज़। यहाँ पे भी लाइन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, इसे भी आप सेव करके ठीक कर सकते हैं। ये देखिए क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन रुपीज़ आ गया। ऊपर का भी पोर्शन थोड़ा सा देख लें आप। ये देखिए मैं इस तरह कैश मेमो लिखा हुआ है, स्टूडेंट बुक स्टॉल लिखा हुआ, बुक सेलर है, स्टेशनर, जनरल ऑर्डर सप्लायर, न्यू मार्केट आसनसोल, यहाँ पे नेम वाला बॉक्स दिया है, नंबर दिया हुआ। उसके बाद ये हैंड टूल पिक टूल पे आप क्लिक, यहाँ सॉरी टूल बॉक्स में जाएँ, हैंड टूल पर जाएँ, उसके बाद नीचे आप इसे हैंड टूल के द्वारा आप पेज को जब बड़ा हो जाता है तो पेज को आप ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। ये हो गया। अब नीचे का पोर्शन में क्या करना पड़ेगा, ये तो मेरा हो गया भाई। अब ये जो नीचे का पोर्शन जो है यहाँ पे देखेंगे अब लाइन, यहाँ पे एक गाइडलाइन लेना पड़ेगा कि ये तीनों लाइन यहाँ पे जो लाइन है, यहाँ लाइन है, ये सही है कि नहीं। तो अगेन आप गाइडलाइन पे जाएं, यहाँ पे सॉरी पिक टूल पे क्लिक करें, उसके बाद रूलर पे जाएं और एक और गाइडलाइन ले लें ताकि आपको, ये देखिए गाइडलाइन लिया मैंने यहाँ पर, इसी लाइन के बराबर मेरा वो सारा ये जो सारा लाइन है होना चाहिए। ये लाइन थोड़ा ज़्यादा है इधर वाला, इसे मैं ठीक करता हूँ। ऐसे मैं ठीक कर लिया गाइडलाइन के हिसाब से। पेज को ज़रा मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि आप समझ पाइएगा। ये देखिए गाइडलाइन मैंने लिया हुआ, देखिए जो पहला जो लाइन है यहाँ पे देखिए सही हो गया। यहाँ पे जो गाइडलाइन लिया है यहाँ पे लाइन एकदम स्ट्रेट आएगा। ये जो लाइन है थोड़ा टेढ़ा लग रहा है तो शिफ्ट दबा के आप लाइन को खींचेंगे तो लाइन शिफ्ट दबा के कोई भी लाइन आप ड्रैग करेंगे तो स्ट्रेट आता है। शिफ्ट कीबोर्ड में प्रेस करें। ये देखिए इस तरह का आपको कैश नेमो दिखाई दे रहा होगा। अब गाइडलाइन को भी कैसे रिमूव करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, सब दिखाता हूँ। अब ये नीचे एक और बॉक्स लेना है, एक और लाइन लेना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अगेन आप टूल बॉक्स में जाएं। यहाँ पे देखिए ये आपका क्रॉप टूल है, उसके ठीक नीचे लाइन टूल है, वो आप ड्रैग कर दें लाइन, ठीक गाइडलाइन के ठीक ऊपर ही आप ऐसे लाइन एक ड्रॉ कर दिया। ये देखिए लाइन मेरा आ गया है यहाँ पे। अब मैं ज़रा गाइडलाइन को मूव करता हूँ। यहाँ देखें लाइन के लिए अगर लाइन नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप कलर बॉक्स में जाएं, यहाँ पे देखें कलर पैलेट में जाएंगे, यहाँ पे देखें लाइन के लिए इसमें क्लिक करें, ब्लैक में क्लिक कर दिया मैंने, ये देखिए और मैं ब्लैक कर दिया। अगर लाइन नहीं आता है तो लाइन के लिए कलर पैलेट में जाएंगे, लाइन के लिए जो भी लाइन लेंगे हम तो लाइन ये वाला ये जो है लाइन के लिए, फिल के लिए, तो इस पर क्लिक करें, ये लाइन के कलर के लिए है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें तो आपको लाइन दिखाई देगा। ये देखिए मैंने ले लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको टोटल लिखना है, टोटल चाहिए रुपीज़ के नीचे आपको, ये आपको यहाँ पे अमाउंट लिखना होता है, यहाँ प्राइस लिखना होता है, तो यहाँ टोटल लिखना है। तो एक और बॉक्स लेना है, अगेन आप टूल बॉक्स में जाएँ और ये जो स्क्वायर बॉक्स है यहाँ एक मैं सिलेक्ट किया इस तरह, यहाँ पर मैं एक इस तरह बॉक्स में ड्रॉ कर दिया। ये क्यों बॉक्स ड्रॉ किया मैं आपको बताता हूँ। अब इस बॉक्स को मुझे कलर करना है तो अगेन आप कलर पैलेट में जाएं, इसे मैं ब्लैक कर देता हूँ। तो देखिए अभी कलर नहीं हो रहा ये बॉक्स, क्यों नहीं कलर हो रहा है, क्योंकि अभी मेरा लाइन सिलेक्टेड है। तो इसके बगल वाला पे जो क्रॉस दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ब्लैक पे क्लिक करेंगे तो मेरा बॉक्स कलर हो जाएगा। ये देखिए कलर हो गया। अब इस बॉक्स के अंदर मुझे लिखना है टोटल, तो अगेन आप टेक्स्ट टूल पर क्लिक करें और किसी जगह पर भी एक एरिया सेलेक्ट करें और लिख दें टोटल, लिख दें, मैं टोटल लिख देता हूँ TOTAL टोटल लिख दिया। इसे बोल्ड करना है तो इस टोटल को सिलेक्ट करें, उसके बाद बोल्ड में जाएंगे, यहाँ पे देखें कलर में सॉरी कंट्रोल पैलेट में जाएं, यहाँ देखिए BN लिखा हुआ है, यहाँ B पे क्लिक कर दिया, बोल्ड हो गया टेक्स्ट। अब ये देखिए ये जो ब्लैक लिखा हुआ है
और मेरा ये बॉक्स भी ब्लैक है, तो ब्लैक ब्लैक के ऊपर ब्लैक रखूँगा तो दिखाई नहीं देगा, तो इस टोटल को मुझे वाइट करना होगा। तो वाइट करने के लिए क्या करेंगे, अगेन आप टूल बॉक्स में जाएं और टेक्स्ट टूल पे क्लिक करें और टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और कलर पैलेट में जाएंगे। यहाँ पे कलर टेक्स्ट को आपको पेपर करना होगा, पेपर पे क्लिक कर दें तो देखिए वो आपका टेक्स्ट टोटल जो लिखा हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या करना होगा, अगेन आप टूल बॉक्स में जाएं, पिक टूल पे क्लिक करें और जिस जगह आपने टोटल लिखा था उस जगह क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह ऊपर लाइन और नीचे लाइन दिखाई देगा, मतलब यहाँ पे टेक्स्ट है लेकिन आपका जो कलर है टेक्स्ट का वो वाइट है, पेपर कलर है वाइट है, इसलिए आपको टेक्स्ट दिखाई नहीं दे रहा। इसे मैं ठीक ला के इस बॉक्स पर रखूँगा तो आपको टेक्स्ट दिखाई देने लगेगा। अगर टेक्स्ट नहीं दिखाई दे रहा तो सिंपल है, अगेन आप मेनू बार में जाएं, एलिमेंट में जाएं, उसके अरेंज में जाएंगे, यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट ऑप्शन है, अरेंज के सब मेनू में ब्रिंग टू फ्रंट है, आपको टेक्स्ट दिखाई देने लगेगा। ये देखिए टोटल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगेन आपको क्या करना है, एक और लाइन लेना है, तो ये जो लाइन लिया हुआ था ऊपर में उस पर आप पिक टूल से क्लिक करेंगे वो लाइन सिलेक्टेड हो जाएगा। कैसे पता चलेगा सिलेक्टेड है वो लाइन, तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आप उस लाइन पे क्लिक करेंगे आपको एंड दोनों छोर जो किनारा है उस पर आपको डॉट, आपको एक काला रंग का स्क्वायर बॉक्स दिखाई देगा, मतलब वो लाइन सिलेक्टेड है। आप चाहे तो उस लाइन को सिलेक्ट करके आप एडिट में जाके, एडिट मेनू में जाएं, वहाँ से कॉपी कर लें, फिर जाके पेस्ट कर लें, पेस्ट, तो एक और लाइन आ जाएगा। उसके बाद आप कीबोर्ड में डाउन एरो है उससे आप मूव कर सकते हैं, उससे आप लेफ्ट एंड राइट इसे आप इसे रख सकते हैं, इस तरह आप सजा सकते हैं। ये देखिए एक और लाइन तैयार हो गया, देखिए यहाँ पे ये देख सकते हैं। लेकिन आप ये गौर से आप देखें, ये जो बॉक्स है यहाँ पे, इस हिस्से को मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, तब आपको समझ में आएगा जो प्रॉब्लम कहाँ अराइज हो गया। ये ज़्यादा बड़ा हो गया, ये मैं 100% कर देता हूँ, ये मैं नॉर्मल, ये देखिए यहाँ पे देखिए बॉक्स का जो लाइन है यहाँ से ज़्यादा इधर हो गया। तो पिक टूल में क्लिक करें, इस बॉक्स के बॉक्स पे क्लिक करेंगे, इस बॉक्स को ठीक यहाँ पे ला के ऐसे मूव कर लें, ये देखिए अब सही है यहाँ से। उसके बाद हैंड टूल से मूव करें, उसके बाद ये जो लाइन होना चाहिए ये लाइन यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी गैपिंग है, जैसे आप जूम करेंगे बड़ा करेंगे तो ये छोटा छोटा फॉल्ट आपको दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, पिक टूल पर क्लिक करना है और उस लाइन पर क्लिक करना है और उसे इस तरह सेट कर लेना है, सही कर लेना है, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, क्योंकि प्रिंट जब कीजिएगा तब पता चलेगा, गलती का एहसास आपको गलती का पता चल जाएगा। इसमें क्लिक किया मैंने, लाइन को ड्रैग करके यहाँ पे, ये शिफ्ट करके कीजिए, शिफ्ट दबा के कीजिएगा तो लाइन स्ट्रेट आएगा। अब यहाँ पे क्या है, टोटल के ठीक बगल में यहाँ अमाउंट रहेगा, यहाँ पर आपको पैसे रहेंगे, राइट क्लिक किया, एक्चुअल साइज कर दिया मैंने, ये देखिए अब आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए अब ध्यान से देखेंगे, ये देखिए इस तरह का टोटल के बाद यहाँ आपका रुपीज़ रहेगा, यहाँ प्राइस रहेगा, और ये जो बॉक्स है यहाँ अगर लिखना है कुछ, मुझे यहाँ कुछ लिखना है तो लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे लिखना है थैंक यू कम एंगल लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, अगेन एक एरिया सेलेक्ट करूँगा, कहीं भी लिखिए आप, एरिया सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह। उसके बाद मैं लिख देता हूँ थैंक यू, यू लिख दिया, उसके बाद ऑब्लिक दिया, कम अगेन कर देता हूँ, अगेन कर दिया, कम अगेन थोड़ा छोटा है, सी को सिलेक्ट करके, अगर यहाँ पे सी में जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, थैंक यू लिख दिया। अब इस जो टेक्स्ट है इसे ज़रा डिज़ाइन है स्टाइल देना है, तो क्या करेंगे ये भी देख लें, अगेन आप पिक टूल में जाएं, टेक्स्ट टूल पे क्लिक करें, सिलेक्ट करें इसे, और एक अलग फॉन्ट लेना है तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ये कंट्रोल पैलेट के जो बॉक्स है यहाँ पे जाएंगे, अलग अलग डिज़ाइन से यहाँ पे टेक्स्ट हैं तो यहाँ से एक फॉन्ट ले लें अलग सा डिज़ाइन वाला, ये देखिए क्लिक कर दिया, और इसे मैं लाके यहाँ पे रख दूँगा इस नीचे पे, इस नीचे वाला पे, ये टोटल के इस बॉक्स में भी रख सकते हैं, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर थैंक यू कम अगेन, हो गया। अब नीचे का इस पोर्सन में अगर कुछ नोट देना है, आपको नोट लिखना है कि भाई यहाँ पर एक नोट होना चाहिए, इसे थोड़ा बड़ा हो गया, ये इस बॉक्स जो बड़ा हो गया इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, लाइन सब आप थोड़ा सा ये इस बॉक्स, ये जो लाइन है इसे मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, ये गया। एक और बॉक्स लेना है मुझे, तो अगेन आप एक और लाइन लेना है, तो अगेन आप टूल बॉक्स में जाएं, यहाँ पे लाइन टूल है, इस तरह जाके यहाँ पर लाइन ऐप एरिया एक सिलेक्ट कर दें, ये लाइन मैंने सिलेक्ट कर दिया। देखिए एक और लाइन यहाँ पे कुछ लिखना है मुझे, तो क्या लिखना है, यहाँ पे एक नोट लिखना है, तो नोट में क्या लिखेंगे, अगेन आप टूल बॉक्स में जाएं, टेक्स्ट टूल पे क्लिक करें, एक एरिया सेलेक्ट करें, और इसमें क्या लिखना है, एक नोट लिखना है। नोट जैसे क्या होता है, जनरली एन डॉट
बी लिख दिया, बी लिखा मैंने। यहाँ नोट ये लिखना है, यहाँ पे नोट देना है मुझे, नोट ये लिखना है, बुक वंस लिखा हुआ रहता है, बी डब्ल्यू सॉरी इम्पॉर्टेंट मैटर है, बुक ओ एन सी वंस सोल्ड रिसोल्ड आर नॉट टी ए के एन टेकन बैक, लिख दिया नॉट टेकन बैक। या यहाँ पे लिख सकते हैं, एक और देखते हैं, डिफेक्टेड लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ डिफेक्टेड, कॉमा दिया मैंने, डिफेक्टेड लिख देता हूँ, डी डिफेक्टेड बुक्स, डिफेक्टेड बुक्स मस्ट मस्ट बी चेंज चेंज विद इन इन 2 डेज कर दिया। यहाँ पे एक मैं लिख रहा हूँ, देखिए आप, लिख दिया मैंने बुक वन सोल्ड आर नॉट टेकन बैक, डिफेक्टेड बुक्स मस्ट बी चेंज विद इन 2 डेज, ये नोट है मेरा, तो ये लिखना है मुझे इस, तो इसको सिलेक्ट किया मैंने यहाँ से, इस एरिया ज़्यादा बड़ा हो गया, इसे सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज़ 12 है, यहाँ से मैं इसका साइज़ कर देता हूँ 10 कर दिया। अभी भी देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा ये है, पिक टूल पे क्लिक किया, इसे मैं ज़रा एरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखिए, और इसे मैं यहाँ फिट करूँगा तो भी लग रहा है, देखिए इस मेरा ये वाला एरिया से भी ज़्यादा बड़ा हो गया, अगेन इसे छोटा करना होगा एकदम छोटा। तो अगेन आप टूल बॉक्स में जाएँ, टेक्स्ट टूल पर क्लिक करें, एरिया इसे सिलेक्ट करें, करने के बाद 10 के जगह मैं इसे कर देता हूँ 9, 10 से नीचे आएगा 9 कर देता हूँ, हाँ 9 ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस जगह पे, इसे मैं ये जो पॉइंट दिया हुआ है यहाँ से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये एडजस्ट करेंगे, छोटा है, मैं आपको दिखाता हूँ इसे बड़ा करके, आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या लिखा है, अभी भी लग रहा थोड़ा सा बड़ा है, तो अगेन मैंने सेलेक्ट किया इसे, अगेन मैं यहाँ फिट कर रहा हूँ, अभी भी इसे जूम टूल पे क्लिक किया मैंने, पिक टूल पे क्लिक किया, उसके बाद हैंड टूल पे क्लिक करके इसे मैं देखता हूँ, देखिए अभी भी बुक वन सोल्ड आर नॉट टेकन बैक, डिफेक्टेड बुक मस्ट बी चेंज विद इन 2 डेज लिखा हुआ है, लेकिन ये एरिया से देखिए बाहर हो गया अभी भी इसे, तो अगेन मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और 9 से ज़्यादा, कंट्रोल पैलेट में जाएँ या 9 है, इसे सेलेक्ट करके मैं 8 देता हूँ, 8 करता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, 8 कर दिया। अब मैं आशा करता हूँ फिक्स हो जाएगा, देखिए ये देखिए अब मेरा सही हो गया, ये देखिए ये, लेकिन लाइन थोड़ा सा, ये लाइन जो है इसे मैं मूव किया, ये जो लाइन दिखाई दे रहा है थोड़ा सा बाहर हो गया, शिफ्ट दबा के कीबोर्ड में शिफ्ट दबा के आप इसे इसे सही कर सकते हैं, ये देखिए ये मेरा आ गया यहाँ पे, हो गया। थैंक यू, कम अगेन, टोटल दिया हुआ है टोटल के लिए, ये नोट भी हो गया। उसके बाद नीचे आपको क्या करना है, यहाँ पे डेट लिखना होता है और प्लस यहाँ पे सिग्नेचर रहता है, तो डेट के लिए एक मैं एरिया सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया एक एरिया, नीचे सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद मैं लिख देता हूँ डेट, DAT डेट लिख दिया, उसके बाद मैं डॉट डॉट दे देता हूँ, ये डॉट डॉट दे दिया मैंने, उसके बाद यहाँ पर आप मैंने सिग्नेचर भी लिखना है, राइट हैंड साइड में सिग्नेचर होना चाहिए, सिग्नेचर कर दिया, उसके बाद सिग्नेचर करने के बाद पिक टूल पे क्लिक करूँगा, ये सिग्नेचर को सीख इस जगह मैंने सेट कर दिया, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डेट को मैंने सेट कर दिया, ये देखिए इस तरह। अब देख सकते हैं ये वाला पोर्शन आपको नीचे का हिस्सा दिखाई दे रहा होगा, मैं इसे और थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि आप बढ़िया तरह से देख पाएँ 100%। देखिए आप ये सिग्नेचर के लिए, ये डेट के लिए आप देख सकते हैं थैंक यू लिखा हुआ, और ये जो गाइडलाइन लिया हुआ है, तो अब मेरा ये देखें तो कम से कम मेरा एक कैश मेमो तैयार हो गया, देख सकते हैं आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए कैश मेमो स्टूडेंट स्टॉल, ये देखिए ये तैयार हो गया। ये जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन आपको ये जो ब्लू रंग का लाइन दिखाई दे रहा है, इसे आपको रिमूव कैसे करते हैं, अगेन आप एलिमेंट में जाएं, सॉरी यहाँ व्यू में जाएंगे, यहाँ पे देखें व्यू में जाएंगे, यहाँ पे देखें क्लियर रूलर गाइड, यहाँ लिखा हुआ ऑप्शन है, व्यू के अंदर है, क्लियर रूलर गाइड करेंगे तो वो लाइन चला गया, देख सकते हैं।
हाँ, और एक चीज़ मैं बोलना भूल गए हैं, कैश मेमो के बगल में मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो मोबाइल नंबर लिखने के लिए क्या करेंगे, अगेन आप टेक्स्ट टूल पे क्लिक करें और एक एरिया सेलेक्ट करें, लिख दें ये मोबाइल, कर दिया मैंने यहाँ लिख दिया मोबाइल 9645 लिख दिया। ये मोबाइल यहाँ पे आपको यहाँ पे इस जगह पे एडजस्ट कर देना होगा, मोबाइल नंबर दे दिया। आप चाहे तो यहाँ साइन भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं, साइन आपको मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखिए मोबाइल का ये जो आप देख सकते हैं, सर टेक्स्ट टूल पे क्लिक किया मैंने, इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया, इसे मैं छोटा करने के लिए अगेन आप यहाँ पर जाएँ, 12 है यहाँ पर 10 कर दिया, उसका पिक टूल पर क्लिक करें, ये देखिए मोबाइल मेरा आ गया। अब ये जो पोर्शन है कैश मेमो, ये लिखा हुआ है सही है कि नहीं, स्ट्रेट लाइन पे है, देखने के लिए क्या करेंगे, अगेन आप गाइडलाइन रूलर रूलर के ऊपर में जाएं और यहाँ से आप इसे चेक करें इस तरह कि हाँ भाई ये सही है कि नहीं, ये देखिए बराबर है कि नहीं। ठीक है, ये मेरा तैयार हो गया। गाइडलाइन को कैसे रिमूव करते हैं, अगेन आप एलिमेंट में जाएँ, सॉरी व्यू में जाएँ, उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे क्लियर रूलर गाइड, ये रूलर गाइड चला गया। अब एक चीज़ का आपको देखना पड़ेगा, ये जो लाइन है, ये इधर वाला जो पोर्शन है, ये सही है कि नहीं, एक ही लाइन बराबर है कि नहीं, देखने के लिए अगेन आप लेफ्ट हैंड साइड में जो वर्टिकल आपका रूलर है वहाँ से आप इस तरह ड्रैग करें, ड्रैग करके ये जो लाइन है यहाँ से मैं चेक करता हूँ ताकि आपको पता चलेगा कि हाँ लाइन सही है कि नहीं। इधर से भी चेक करने के लिए अगेन आप फिर दूसरा एक और गाइडलाइन इधर से आप चेक कर सकते हैं इस तरह। और जूम जूम टूल है, जूम टूल अगेन आप टूल बॉक्स में जाएँ, जूम टूल करके इस तरह आप जिस पोर्शन को चेक करना है, ये देखिए जूम टूल एकदम सही दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अगेन हैंड टूल पे जाएं यहाँ पे, ये देखिए मेरा कैश मेमो इस तरह आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए सब सही है, देख लें इस तरह, ये देखिए इस तरह हम लोग कैश मेमो बनाते हैं कैश मेमो। अब ये जो बॉक्स लिया हुआ है, ये जो बाहरी जो बॉक्स लिया हुआ है, ये जो बॉक्स जो मैंने साई लिया होता बॉक्स, ये बॉक्स अगर नहीं रखना आपको, ये तो मैंने सिर्फ साई लेने के लिए बॉक्स लिया होता, बाहरी जो किनारा आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसे कैसे रिमूव करते हैं, प्लस ये गाइडलाइन, अगर गाइडलाइन रहता है, अगर प्रिंट भी करते हैं तो गाइडलाइन प्रिंट आउट नहीं होता है, और ये जो लेकिन बॉक्स जो दिखाई दे रहा है, जो बाहरी जो बॉक्स लिया था साइज का, उसका वो बॉक्स मुझे रिमूव करना है, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगेन आप पिक टूल पे क्लिक करें और इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। अब देखिए उसमें लॉक दिखाई दे रहा होगा, तो इस लॉक को पहले हटाना होगा मुझे, यहाँ पे एलिमेंट में जाएं, एलिमेंट में जाने के बाद सॉरी यहाँ व्यू में जाएंगे, एलिमेंट में, हाँ एलिमेंट में जाएंगे, उसके बाद अनलॉक, देखिए पहले लॉक पोजिशन था, अनलॉक कर दिया मैंने। अब मैं जो साइज था उसे मैं ड्रैग करूँगा, देखिए लाइन, इस लाइन को मुझे डिलीट कर देना होगा, डिलीट कर दिया, करने के बाद आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा इसे मुझे सिलेक्ट करना है। तो कैसे सिलेक्ट करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, ताकि साइज हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद एडिट में जाएं, मेनू एडिट में जाएं, जाने के बाद सिलेक्ट ऑल कर दें, तो पूरा सारा का सारा आपका देखिए सिलेक्टेड इस तरह दिखाई देगा, ये पूरा का पूरा सब सिलेक्ट हो गया। करने के बाद आपको क्या करना है, अगेन आप मेनू बार में जाएँ, उसके बाद एलिमेंट में जाके, एलिमेंट में जाएंगे, ग्रुप कर दें, ग्रुप, ये मैंने ग्रुप कर दिया, अनलॉक इंटायर ग्रुप, ये देखिए यहाँ पे एलिमेंट में जाके अभी भी अनलॉक है कोई पोर्शन, जैसे ये वाला पोर्शन मेरा अनलॉक है, इसे एलिमेंट में जाएं, इसे ठीक है अनलॉक हो गया, उसके बाद एडिट में जाएंगे, सिलेक्ट ऑल कर दिया, उसके बाद ये देखिए सब सिलेक्टेड हो गया, देख सकते हैं आप, ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया, देख सकते हैं ये मेरा पूरा सिलेक्टेड है। उसके बाद राइट क्लिक करके इसके फिट इन विंडो करता हूँ, ये देखिए पूरा सिलेक्ट हो गया कैश मेमो, यह पूरा का पूरा मेरा कैश मेमो मूव कर रहा है एक ही साथ है, देखिए यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कैश मेमो। अब आपको क्या करना है, गाइडलाइन जो है इसे मैं रिमूव करता हूँ, व्यू में जाएँ, व्यू में जाने के बाद नीचे आएंगे क्लियर रूलर गाइड, गाइडलाइन हट गया। अब ये पूरा सिलेक्टेड जो कैश मेमो है, आपको क्या करना है, अगेन आप मेनू बार में जाएँ, एडिट में जाएँ, इसे कॉपी करें, उसके बाद पेस्ट कर दें, पेस्ट, तो एक और कैश मेमो नीचे तैयार, मतलब A4 साइज़ में दो इस तरह का दो कैश मेमो आपका फिट हो जाएगा। ये आपको डिपेंड करता है किस तरह का पेज में आप प्रिंट आउट निकालेंगे, ये मतलब दो कैश मेमो मेरा तैयार हो गया। मैं जूम करके दिखाता हूँ एक्चुअल साइज करके, ये देखिए एक्चुअल साइज़, ये जो हैंड टूल पर क्लिक किया, देखिए इस तरह, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये वाला, ये पहला ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है, देख सकते हैं, मतलब लास्ट में आपको क्या करना है, जो जो आप लॉक किए थे उसे अनलॉक करना पड़ता है, उसके बाद उसे ग्रुप करके एक ही साथ
वो सारा का सारा आपको ग्रुप करना होता है। उसके बाद आप कॉपी कीजिए और जितने चाहे उतना पेस्ट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, दो मतलब A4 साइज में दो, आपका दो इस तरह का कैश मेमो मेरा तैयार होगा। ये देखिए, थोड़ा मूव कर दिया, ये देखिए दो कैश मेमो मेरा तैयार हो गया। तो आई होप, इसमें फिट इन विंडो करता हूँ, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग कैश मेमो तैयार करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, और अगर ऐसे अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर और भी मैं ट्यूटोरियल्स कैश मेमो और भी दूसरे डिज़ाइन का कैश मेमो मैं बनाऊंगा और उसका ट्यूटोरियल भी आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। अगर ये मेरा ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब करें। अगर नहीं अच्छा लगा तो भी मेरा ट्यूटोरियल आप लोगों ने देखा, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ, और आने वाला ट्यूटोरियल्स भी आप देखते रहें। आने वाले दिनों में मैं और बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अपलोड करने वाला हूँ। मेरे ट्यूटोरियल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।